हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आप सवेरे सो के उठा, मोबाइल चेक किया है तो वो मैडम का फोन आया, सॉरी फोन नहीं, वॉइस नोट आया था कि घर में गेट को लगाने जा रहा है और उसके लिए अंडरग्राउंड बल्ब डाल देना है। तो अभी हम आके देखा, मिस्त्री से बात किया है तो मिस्त्री लोग अभी तक ढलाई शुरू नहीं किया, तो हम बोला है कि नीचे में जब बीम लगा लेगा तभी अंडरग्राउंड पाइपिंग करेगा। तो अंडरग्राउंड पाइपिंग करने के बाद ही आपका वायरिंग को बिता सकता है, नहीं होना चाहिए, अभी तो नहीं कर पाएगा। तो आया था, सोच ही रहा था कि आपको ये घर का वायरिंग हम ब्लॉगिंग करके दिखाएगा बोल के, तो यहाँ का वायरिंग को आप कैसे कैसे किया है इसको, आया तो बना ही लेगा और बना के आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे अंडरग्राउंड वायरिंग कैसे किया है, उसको हम दिखा देगा आप लोगों को। वीडियो तक बने रही है और कार हम क्या क्या फोन आया है आपको सबको, आप सभी को देखने को मिलेगा ये इस वीडियो पर। वीडियो को स्किप नहीं करके बने रहिए वीडियो को। तो कुछ इस तरह से है, गेट लगेगा तो इसका अंदर से पाइपिंग, उसके ऊपर बल्ब फेंकेगा। तो अभी जैसे हम लोग लेवल में जस्ट गधा ही कूद के रखा हुआ है, यहाँ पे दो बल्ब फेंकेगा, इसका मेन स्विच होगा जहाँ वहाँ कचरा हो रहा है वहाँ पे घर बनेगा, तो तब इधर ही होगा उसका स्विच का। तो ये तो हो गया गेट का। और एक साल पहले हमने काम स्टार्ट किया था ये घर का, इसको बनाने में ये घर जो घर का वायरिंग जो है पूरा अंडरग्राउंड है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है काम। अभी खिड़की दरवाज़ा ये सब लगने के बाद इसमें और बहुत फिनिशिंग बचा हुआ है। आपको दिखाता हूँ एन सी बी वगैरह का बॉक्स हमने किस तरह से कारपेंटर वाला को बनाने दिया था। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इसके अंदर में हमने डाला है चेंज ओवर, फोर पोल का कटआउट, और इस दरवाजे को खोलने पर आपको दिखाई देगा इसमें है आपका बार बार, और इस जगह पर है सारा एमसीबी वगैरह। जो ये एक नीचे वाले फ्लोर के लिए, एक ऊपर वाले फ्लोर के लिए, और ये जो वायर है ऊपर के एमसीबी के लिए मैंने पहले डलवा के रखा था, जो अभी तक इसका काम नहीं हुआ है। तो अगले वीडियो में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि एमसीबी वगैरह कैसे फिट करता है। कि जो फोर बेस का तार वायर आएगा 20 mm का, वो जो आपको इस कोने से उस कोने से ड्रिल करके इस तरह से पाइपिंग करने के बाद ही मैं इस तरह से ला के नीचे वाले से घुसाऊँ। ये तो इसको हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं मदरबोर्ड, यानी कि इसमें हम सारा आइटम छुपा सकते हैं, जैसे कि एमसीबी वगैरह, चेंज ओवर, बार बार, ये सब वगैरह को हमने छुपाने के लिए कारपेंटर से बात करवा के, मेरा हमको बात करवा के इस तरह से बनाने दिया था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए मैं घर का टूर कराता हूँ कि कहाँ कहाँ स्विच बोर्ड वगैरह देता है। तो अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है, ये पैसेज लाइन है, जो पैसेज लाइन में हमने चार बल्ब का एस्टिमेट करके डाल चुका है यहाँ। तो इसका स्विच बोर्ड जो अंडरग्राउंड ऑलरेडी ही हमने कर दिया है, तो बहुत ही अच्छा है, ये देखने में भी बहुत सुंदर है और थोड़ा महंगा भी है, थोड़ा नहीं बहुत महंगा है। और ये ऑफिस रूम, वो सब ऑफिस रूम में जो कंप्यूटर वगैरह यूज होगा, पावर प्लग है वो। उसके बाद ये जो है 12 मॉडल का हमने यहाँ बोर्ड दिया है,
पावर प्लग, नीचे आपका फुट लाइट है। फुट लाइट जो घर को थोड़ा और सुंदर दिखाता है ना इसमें, तो आपको दूसरा रूम में ले चलते हैं। इसमें अब तक हमने बल्ब नहीं डाला है क्योंकि बल्ब नहीं जुड़ा था, और बाकी काम तो ऑलमोस्ट ख़त्म है इसमें। वहाँ एसी का पॉइंट है और यहाँ चार्जिंग के लिए दिया गया है, और एक इसमें भी बड़ा मॉडल का एक मोड, उसके बाद नीचे फुट लाइट और ये पावर प्लग। तो हमने काम तो कर लिया पर किचन का तक कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि मैडम का कहना है कि यहाँ पर टाइल्स लगेगा, तो टाइल्स लगने से यहाँ अगर बोर्ड वोड बिता लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमने अब तक नहीं डाला। इसको लास्ट में करके आपको अगले वीडियो में जरूर दिखाऊंगा। और ये कुछ इस तरह से, इसके भी इसका जो है बल्ब मंगवाया है, अभी तक नहीं आया, आने के बाद आप लोगों को जला के दिखाऊंगा कि कैसे दिखता है। इसमें जो अंदर में जो नाली है उसमें जो आपका लाइट बैठेगा, इसमें कौन सा कलर वो मैडम चॉइस करेगा बाद में। और इसका भी बोर्ड नहीं मिला इसलिए हमने रखा हुआ है। और ये है आपका दूसरा वाला रूम, ये तो ओपन, इसको हमने अगले वीडियो में भी बताया था कि ओपन वायरिंग और अंडरग्राउंड वायरिंग में क्या फ़र्क रहता है। तो ये है ओपन वायरिंग, जो केसिंग से मार के हम लोग जो वायरिंग करता है। ये पंखा का पॉइंट है, बल्ब का है, ये भी बल्ब का है, और वह एसी का पॉइंट है, और लेकिन ये नीचे तक लेकिन हमने अंडरग्राउंड करवा चुका था इसके लिए। तो ये हमारे यहाँ जहाँ भी वायरिंग होता है तो आदमी लोग जो वायरिंग मैन है उन लोग हमेशा ये भूल जाता है कि टाटा स्काई का जो वायर होता है उसको लेके आने के लिए भूल जाता है। तो हमने इसमें ऑलरेडी टाटा स्काई का तार जो अंडरग्राउंड करके लेके आया है, नहीं होने से क्या रहता है कि जो टाटा स्काई सिग्नल जो मिलाता है वो लोग जो वाहन से सेटल मार मार के जितना घर का पेन है उसमें बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए हमने जो ये टाटा स्काई का वायर को ऑलरेडी अंडरग्राउंड कर दिया है। और ये जो है आपका ऊपर वाला जो है कोर मॉडल का बॉक्स है, तो ये जो सारा जो स्टेप लाइट है उसके लिए हमने कटिंग करके तार ऑलरेडी यहाँ पर निकाल के रख दिया है। तो बाद में आपको दिखाऊंगा कि जलने के बाद कैसे दिखता है ये जो पूरा स्टेप लाइट है। यहाँ तक और ये भी आधा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें भी बल्ब लगाना बचा हुआ है, पंखा लगाना बचा हुआ है। तो सीलिंग फैन के लिए भी मैं नया वीडियो लाऊंगा कि कैसे सीलिंग फैन को घर बैठे आप फिट कर सकते हैं। और यहाँ का बल्ब और फैन के लिए हमने तार निकाल के रखा है, अभी तक काम शुरू नहीं किया है, वो है नीचे का पॉइंट। इसी तरह से हमने यहाँ भी टाटा स्काई का वायर जो मैंने निकाल के ऑलरेडी रख चुका हूँ, क्योंकि यहाँ टीवी रहेगा इस जगह पर, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी अंडरग्राउंड से लेके आके टीवी का वायर मैंने निकाल के रखा हुआ है। और ये कुछ इस तरह से है। तो जो ऊपर जो वोल जो रहेगा वो जो आपका मोनीटर सीसी कैमरा के लिए मैंने पावर सप्लाई दे के रखा हुआ है। और ये जो पैसेज लाइन का लाइट वगैरह का ऑन ऑफ यही सब, ये भी इसमें भी बल्ब पंखा वगैरह लगाना बचा हुआ है, और बाकी सब मैंने चेक करवा दे दिया। तो हमारा मैडम का कहना है कि यहाँ पे हम लोग ट्रेडिशनल स्टाइल में चांगर बनेगा, तो चांगर बनने से यह लाइट तो ज़रूरी होगा, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पर भी मेन लेके आया है यहाँ चांगर के लिए। और ये जो वायर है ये टाटा स्काई का वायर है जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है,
जब मिलाने वाला आएगा तो तभी वो मिला लेगा कितना चाहिए कितना। तो आज के लिए गाइस इतना ही है वीडियो। ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एपी इलेक्ट्रिक्स एंड राजेश मरा को, और जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जय जीसू।